वही क्वेश्चन है, इसमें भी त्रिज्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर वन का सेकेंड पार्ट, इससे पहले फर्स्ट पार्ट हुआ है, सेकेंड पार्ट फार्मूला वही लगेगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला लिख लेंगे, ज्यादा बेटर रहता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये होता है 4πr² ठीक है, 4π की वैल्यू 22/7 और r कितना है 5.6 × 5.6 ठीक है। अब जो मेन काम हमारा होता है इसको सॉल्व करना, बहुत बच्चों को पॉइंट वाले क्वेश्चन देख के घबराहट होती है, नहीं कर पाते हैं, तो करेंगे क्या, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 से कट रहा है, 2 × 4 होता है 2 × 5 = 10, यहाँ पर 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10 ठीक है। इसको 22 × 56 × 56 और 22/7 ये लिख लेंगे ठीक है, 7×8 = 56 तो यह आ जाएगा 22 × 8 × 56 यहां पर अपान में 5 और अपान में 5 दो बच रहे हैं ठीक है, अपान में 5 × 5 अब इसको मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। देखिए यहां पर समझ लीजिए, यहां तक हम लोग कर लिए थे 22 × 8 × 56 / 5 × 5 यानी कि 25 हो जाएगा नीचे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 28 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 176 आएगा, उसको 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9856 आ गया, 9856 को 25 से डिवाइड करेंगे, डिवीजन भी देख लीजिए, बहुत बच्चों को डिवीजन भी नहीं आता है, क्लास 9th हो चाहे 10th हो, 10th तक पहुंच जा रहे हैं आजकल, तो 25 × 3 = 75 बचेगा, घटाएंगे इसको तो बचेगा 23, 5 उतार लेंगे 9 बार ले जाएंगे 225 आएगा, 10 बचेगा 6 उतारेंगे, अब ये जाएगा 4 × 100 फिर यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे